नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। हाँ तो फ्रेंड, अभी दुकान पे शॉप पे काम कर रहे थे तो लाइट चली गई, तो थोड़ा फ्री हुए तो चलो आपसे रूबरू हो जाए। तो काफी दिनों से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, तो कल वीडियो बनाई थी, अपडेट था एक आपको देना था, मगर वो किसी कारण से डिलीट हो गई है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे रतिया में हम घर के सामने जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं जोगरा सोनी, तो कल उनका देहांत हो गया। आपको मालूम है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, लगभग एक साल से बिस्तर पर ही पड़े थे। तो कल घर से फोन आया था, तो कल उनका इंतकाल हो गया, वो भगवान को प्यारे हो गया, तो हम जा नहीं पाए। तो एक दो दिन में जब जैसे ही उनकी रस्म पगड़ी का कोई फोन आएगा, पता लगेगा, तो फिर जाएंगे। पीछा ट्रेन हो रही है, कार्तिक का पत्ता कट हो जाना है, कार्तिक की सीट निशान है जो मार रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड, ये दिशा है, कार्तिक की बहन है, तो आजकल आई है कार्तिक से मिलने के लिए, तो दुकान पे आई है, तो शॉप पे काम कर रही है। हाँ तो फ्रेंड, अभी हम भिवानी बस स्टैंड पे हैं, तो अभी हम हिसार के लिए बस में बैठ गए हैं, तो ये बस जाएगी हांसी तक, तो हांसी से आगे हिसार के लिए हमें और बस पकड़नी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे फ्रेंड योगेश सोनी जी का निधन हो गया था, तो कल संडे के दिन उनकी रस्म पकड़ी है, तो इसके लिए घर से फोन आया था, तो अभी हम जा रहे हैं, तो आप बने रहना हमारे साथ। तो फ्रेंड, इवनिंग के 7 बज चुके हैं, तो अभी हांसी पे बैठे हैं, तो अभी हांसी से हिसार के लिए बस चल रही है, तो भिवानी से हांसी पहुँचते हैं, बोलते बहुत भी टाइम लगा दिया बस में, लगभग 1.5 घंटे में हांसी पहुँचती है, तो अभी हिसार की बस में बैठे हैं, तो देखते हैं कब तक ये बन जाती है। फाइनली ब्रो, अभी हम फतेहवाल पहुंच गए सेक्टर के घर,